The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। जी हाँ, सो जैसे आप जानते हैं, अगर आपने हमारे ब्लड प्रेशर के बहुत सारे वीडियो हैं देख चुके होंगे तो ब्लड प्रेशर आप समझते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ केवल एक सबसे बड़ा सवाल का जवाब देंगे जो बहुत लोग पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? इतना है, ये है क्या नॉर्मल है? इतना है तो नॉर्मल है, उतना है तो नॉर्मल है, कितना है तो नॉर्मल है। तो व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज दी एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, नहीं उसको कैटेगरीज में बांटा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, नॉर्मल क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा घातक क्या होता है, सबसे डेंजरस ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोलते हैं, किस टाइम पर हमें आपका ब्लड प्रेशर यानी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब बोलते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब यह है कि जब आपका ब्लड प्रेशर, जब आपका हार्ट पंप कर रहा है, व्हेन योर हार्ट इज पंपिंग, उस समय जब पंप करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ज्यादा वाला ब्लड प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हायर वाला सिस्टोलिक यानी पंपिंग पे, कॉन्ट्रैक्शन पे। एक है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मीन्स रिलैक्सेशन पे, जब हार्ट रिलैक्स करता है तब भी ब्लड प्रेशर जीरो नहीं होता, पॉजिटिव प्रेशर रहता है ताकि ब्लड कंटिन्यूस आगे रहे, ना कि आगे पीछे ऐसे घूमे। सो वो पॉजिटिव प्रेशर जो बना रहता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिलैक्सेशन पे, इसलिए डायस्टोलिक कम होता है, सिस्टोलिक ज्यादा होता है। सो एक अगर आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है और अगर आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा है तो उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस का मतलब यह नहीं है कि वहां पहुंच गए तो दुनिया खत्म, नहीं, क्राइसिस का मतलब यह है कि उतने ऊपर का ब्लड प्रेशर नीचे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। जल्द से जल्द मतलब नीचे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आ जाए तो बेहतर है। अगर उतना हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहेगा तो वो ऑर्गन्स को जल्दी से डैमेज कर देगा, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, चाहे कुछ भी। सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसको हम स्टेज 4 हाइपरटेंशन बोलेंगे, वो है 180 के ऊपर और डायसिस्टोलिक, या 120 के ऊपर। द सेकेंड स्टेज, द थर्ड स्टेज, 4 के बाद 3, 2, 1 उल्टा चल रहे हैं। सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस से कम डेंजरस, जिसको हम थर्ड स्टेज तो नहीं, इसको स्टेज 2 बोलते हैं टेक्निकली, स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं, स्टेज 2 और 3। स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन है जिसमें हम डायरेक्ट 140 से ऊपर और 90 से ऊपर, जी हाँ 140 से ऊपर है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर है, 140/90 से ऊपर है तो उसे डायरेक्ट स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर से यानी अपनी दवा खानी पड़ेगी या डॉक्टर से रेगुलर बात करनी होगी। तुरंत वाला तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, बट ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन माना जाता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई होना बोला जाता है 130 के ऊपर, 130 से 140 के बीच में अगर आपका ऊपर वाला है और नीचे वाला 80 से 90 के ऊपर है, क्या के बीच में है, तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में कंपलसरी नहीं है कि आपको दवाई लेनी ही लेनी है, उसमें आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी ठीक कर सकते हैं। सो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन और स्टेज 3 या हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसको बोलते हैं। यानी नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल ब्लड प्रेशर मींस नॉट 130 के नीचे, नॉर्मल इज 120 के नीचे, जी हाँ 120/80 उसके नीचे नॉर्मल है।
120 80 के नीचे नॉर्मल है, तो एक बीच का रह गया सर। बोले 120 और 130 के बीच में रहेगा तो क्या है, 120 से 130 के नीचे है तो उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन नहीं बोलते, वो बीमारी नहीं है। 120 से 130 के बीच में है, 120 है, 126 है, 130 है, तो वो बीमारी नहीं है, वो हाइपरटेंशन नहीं है, वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं का मतलब है उसमें सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, करेक्शन करना है, नींद अच्छी लेनी है, पानी कम देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 120/80 के नीचे इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/130/80 के नीचे है तो एलिवेटेड है, 140/90 के ऊपर है, 130/90 के ऊपर है तो वो आपका आ गया, क्या आ गया, स्टेज वन। स्टेज टू यानी 140/90 के ऊपर, और स्टेज थ्री यानी 180/90 के ऊपर। सो दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर की गिनती होती है। और याद रखिए सबसे जरूरी बात, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप सोए हैं, आप जागे हैं, कंटिन्यूअसली वेव्स आती रहती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसको रेगुलर चेक करना कि वो हाई जा रहा है तो कितना हाई है, लो जा रहा है तो कितना लो है, और कंटिन्यूअसली लो है, कंटिन्यूअसली हाई कैन डैमेज योर ऑर्गन्स। कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी नसें कमजोर हो उसमें, और कंटिन्यूअसली लो विल कॉज चक्कर, चक्कर आ सकता है और डिजीनेस हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर से परफ्यूजन कम होगा ऑर्गन्स का, तो दैट कैन ऑल्सो डैमेज योर ऑर्गन्स। ना लो मतलब कितना लो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे है लेकिन 90/60 के ऊपर, मिनिमम ब्लड प्रेशर आपका, मिनिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक 60 होना चाहिए। इंडिया के अंदर फिर भी कई फीमेल्स हैं जो इसी में खेलती हैं, मिनिमम 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 ब्लड प्रेशर चलता है उनका, वजन भी मिनिमम होता है 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, और बीपी भी मिनिमम मिनिमम होता है। सो ऐसा जरूर होता है, कुछ कई केसेस में एक्सेप्शंस हैं, दिस इज द जनरलाइज्ड वे। हमें एक्सेप्शंस को कंसिडर करके पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है कि आपको दवाई की जरूरत है या नहीं, या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। तो याद रखिए ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर आज से कभी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सीधा जाके ब्लड प्रेशर की मशीन लगा ली, बटन दबा दिया और बीपी चेक कर लिया, जो भी बीपी आया वही आपका ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जस्ट लाइक सीधा किसी कमरे में घुसने के बाद जो एक्साइटमेंट आपकी थी, वही एक्साइटमेंट उस पूरे सेशन में रहेगी, उस पूरे स्टे में रहेगी, जरूरी नहीं। सेम वे आपका ब्लड प्रेशर जैसे ही आप बीपी चेक कराते हो उतना रहेगा, जरूरी नहीं है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, दैट मीन्स योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। अगर हाई है देन चेक अगेन आफ्टर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करो। अगर रिलैक्स करने से आपका बीपी नॉर्मल हो जा रहा है तो आपको बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ एक्साइटमेंट हुआ, आप सिर्फ एक्साइटेड हो गए। बींग एक्साइटेड कैन कॉज हाई ब्लड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर फॉर अ टेम्पररी टाइम। दौड़ के आ जाओ, चेक करो, बीपी हाई रहेगा, 160, 170, 150, 5 मिनट के बाद सीधा नॉर्मल आ जाएगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन, क्या उस इंसान को बीमार ब्लड प्रेशर? कई लोगों का डॉक्टर को देख के बीपी बढ़ जाता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, इस पे अलग से वीडियो है हमारा यूट्यूब पे। तो क्या उसको दवाई देने की जरूरत है? नहीं, कतई भी नहीं, उसका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करने की जरूरत है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर भी आता है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मीन्स 24 घंटे आपका ब्लड प्रेशर चेक होता जाएगा, आप बस मशीन पहन के चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, छोटी सी मशीन आती है लगी रहेगी आप पे, वो बीपी चेक करता रहेगा आपका सोते हुए भी। तो ये पता चलेगा 24 घंटे में आपका ट्रेंड क्या है, कितने घंटे ज्यादा है बीपी, कितने घंटे कम है बीपी, सब पता चल जाएगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। और याद रखिए बीपी की मशीन पे डाउट मत करिए, हमें बीपी की मशीन से एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं चाहिए। जैसे वजन की मशीन, हर मशीन अलग अलग बताएगी, बीपी की मशीन अलग अलग बताएगी, हमें एग्जैक्ट नहीं, हमें वजन में यही देखना होता है कि आपका 50 किलो है कि 60 है, 80 है, 100 है या 150 है, हमें ये एवरेज चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि 94.25 है कि 95.67 है, वो फर्क नहीं पड़ता, एवरेज समझ में आना चाहिए। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर
वो मशीन एवरेज भी बताती है कि हाँ आपका 140 से नीचे, 130 से नीचे है तो ठीक है, चाहे वो 110 है या 120 है या 130 है, फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा है तो 140 है कि 150 है कि 160 है, 170 है, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वापस आया कि नहीं आया, वापस 130 के नीचे आया कि नहीं आया थोड़ी देर में। जो भी मशीन है उससे चेक करो, ट्रेंड बनाओ। वो ट्रेंड से पता चलेगा आप कहाँ तरफ हो, किस तरफ हो, हायर साइड में, लोअर साइड में, ओके साइड में। अगर हायर साइड हो देन डू समथिंग अबाउट इट, डिस्कस विथ योर डॉक्टर। दवाई भी है, लाइफस्टाइल भी है और डाइट भी है, तीनों चीजें करनी पड़ती हैं। दैट्स द मैसेज। सो कीप वॉचिंग माई ब्लड प्रेशर वीडियो, शेयर द वीडियो पसंद आया तो, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।